हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप मैथ का वीडियो बना सकते हैं। अभी तक हमने बहुत से जीके के वीडियो बनाकर बताया है आपको। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप एक मैथ का डिजिटल बोर्ड की तरह अपने मोबाइल के द्वारा, एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा आप बना लेंगे वीडियो, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से टीचिंग करेंगे। तो चलो आपको बताते हैं। इसके लिए आपको आना होगा प्ले स्टोर पर। देखो हम प्ले स्टोर पर यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा ऑन बोर्ड रिकॉर्ड। देखो हमने ऑन बोर्ड रिकॉर्ड सर्च किया, यहाँ पर देखो हमारे सामने आ चुका है। इस तरह आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने दिखेगा ओपन वाला ऑप्शन, तो ओपन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आप लोगो है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद आपके सामने देखो इतने ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्हाइट बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने टू ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर देखोगे पोर्ट्रेट मोड बोलेगा, यहाँ पर एक आपको लैंडस्केप मोड बोलेगा। आपको लैंडस्केप मोड में कर लेना, क्योंकि यूट्यूब का ये होता है रेशियो, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरपेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरपेज ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर आपके सामने बहुत से ऑप्शन दिखेंगे। इन्हीं से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना यूज करना है इसको। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो इसे अगर बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप यहाँ से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। यहाँ पर देखो कलर दिख रहा है, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड लेना हो, जो भी बैकग्राउंड लेना हो चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लगाने के लिए देखो एक स्लाइड खोली, यहाँ पर देखो वन लिख रहा है। अगर आपको एक से अधिक क्वेश्चन लेना है तो यहाँ पर आपके सामने दिखेगा प्लस वाला आइकन, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो टू हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखेगा टू। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखेगा थ्री। इसका मतलब कितने हो गए, थ्री पेज। इसके बाद ये स्लाइड के रूप में काम करना है। स्लाइड के रूप में काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर देखो इस साइड क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पेज बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो पेज बढ़ेंगे आपके, देखो वन हो गया। इस साइड करोगे आपके यहाँ पर पेज फिर अगेन बढ़ेंगे। देखो इस तरह से ये स्लाइड बन गई है। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली स्लाइड में जाना है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है। देखो आप देखना चाहते हैं कितनी आपकी स्लाइड हो चुकी, तो स्लाइड देखने के लिए इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर स्लाइड दिखेगी, कितने पेज हैं आपके, थ्री पेज हैं। तो यहाँ से आप थ्री पेज बना के देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट वाला, यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये देखो दिख रहा है आपके सामने टेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन राइट करना है। अब यार इस वीडियो में आपको बता रहे हैं क्वेश्चन राइट करके, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको पीडीएफ के द्वारा किस तरह से आप पीडीएफ का यूज करके यहाँ पर स्टडी वाला वीडियो बना सकते हैं, मैथ वाला एक क्वेश्चन बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन टाइप कर लेना है। जो भी आपके पास क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। चलो तो हम यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन कॉपी किए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पेस्ट करके दिखा रहे हैं। देखो जैसे हमने इस पेस्ट किया, इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ कॉपी किए थे तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। इसके बाद यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो जैसे हमने किया तो यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, हमने डन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। देखो हमारे यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो टाइप किया था तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। आप उससे टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड से, अपने मोबाइल के कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। देखो हमने कुछ कॉपी किए थे तो यहाँ पर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख गया है, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप हो गया। तो इसको क्या करना है, देखो ये दिख रहा है आपके सामने, तो इसको स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखो आपके सामने इस तरह से हो जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद इसको जहाँ भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। देखो हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये देखो ऊपर की तरफ आ गया। इसके बाद और इसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ से देखो और स्क्रॉल कर सकते हो, और छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से और भी छोटा कर सकते हो, जिस तरह करना चाहते हो कर सकते हो। इसके बाद इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिट कर लेना। जैसे देखो हमने यहाँ पर फिट करके दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से हमने देखो यहाँ पर फिट कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको बोल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। लेफ्ट मार्जिन करना चाहते हो तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन करना चाहते हो तो राइट मार्जिन। यहाँ पर देखो जस्टिफाई का भी ऑप्शन दिए, अगर आप जस्टिफाई भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद बोल्ट करना चाहते हो तो ये देखो बी बना है आपके सामने, तो बोल्ट वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर बोल्ट हो गया। आपको ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये भी कलर ले सकते हो। इसके बाद अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो आपके सामने यहाँ पर बहुत से कलर दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो आपको कलर दिख रहा है। अगर ब्लैक लेना चाहते हो तो इस ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ब्लैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने क्वेश्चन ब्लैक हो गया। इस तरह से आप जो भी कलर लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जिसने स्क्रॉल करके यहाँ पर देखोगे देखकर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बोल्ट करना है तो बोल्ट कर लिया, जस्टिफाई जो भी करना हो तो कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देंगे तो ये क्वेश्चन आपका फिट हो जाएगा। टिक वाले ऑप्शन पे हमने देखो क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन फिट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन फिट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको स्टडी करना है। यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन को, तो किस तरह से बताएंगे आपके सामने, यहाँ पर देखो इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ
यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो दिख रहा है पेंसिल वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ जो भी राइट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। चलो हम आपको दिखा रहे हैं राइट करके। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि एक पुस्तक। यहाँ पर देखो आपको पिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिन वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस पिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर करना है कि एक पुस्तक, ये देखो राइट हो रहा है। इसके बाद ये देखो ये कितना छोटा दिख रहा है, तो आपको इस वाले स्केल से सही कि जो सिंबल बन रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, और भी बोल्ट मोटा ले सकते हो इसका, अच्छा तो इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। देखो हमने सेवन कर लिया, सेवन करने के बाद देखो हमने इतना मोटा हो गया। इसके बाद देखो ये राइट होने के बाद हटाना है इसको, तो इस वाले एरो से आप हटा सकते हैं। देखो हमने इस पर क्लिक किया तो हट गया। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कलर लेना है तो कलर जो भी लेना चाहते हो, तो ये देखो कलर वाले ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर लेना है। देखो हम यहाँ पर कलर लेकर दिखा रहे हैं आपको, रेड वाला कलर लेकर दिखा रहे हैं। ये देखो रेड वाला कलर है तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। इसमें जैसे क्लिक कर दिए तो यहाँ पर दिखेगा, देखो रेड वाला कलर हो गया। ये देखो रेड वाला कलर हो गया, जो भी आप राइट करना चाहते हो राइट कर सकते हो। देखो इरेज करना है तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आप हटा सकते हैं। इरेज करके यहाँ से हटा, एक एक हटाने के लिए यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से वो आप रिटर्न लाने के लिए यहाँ से आप लाएंगे एक एक। इसके बाद देखो पूरा अगर टोटल इरेज करना है तो इरेज वाला ऑप्शन ये देखो दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जितना इरेज करना है तो उसको यहाँ पर घुमा देना है, इसको यहाँ पर घुमाओगे तो हो जाएगा। देखो हम किससे कर रहे हैं, हम देखो एक हमारे पास स्क्रीन टच वाला पेन है, आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का अगर पेन लेना चाहते हो, अपना हाथ हैंड से अगर करना चाहते हो तो हैंड से भी हो जाएगा। तो चलो आपको दिखाते हैं देखने के लिए। देखो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, इस कैमरे वाले ऑप्शन से क्लिक करेंगे। तो चलो आपको कैमरे वाले ऑप्शन से क्लिक करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखो दिखा रहे हैं, ये देखो आपके सामने दिख रहा है, ये देखो आपके सामने हम ये पेन लिए हैं। तो यहाँ से आपको देखो ये पेन वाला दिख रहा होगा, इस पेन से हम यूज कर रहे हैं। इस पेन से आप इस तरह का पेन ले सकते हो, तो यहाँ से आप भी यूज कर सकते हो इस तरह का पेन। देखो इस तरह का हमने पेन बताया था कि आप किसी भी मार्केट से ले सकते हो। ये देखो टच पेन है, इससे यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपको ये मोबाइल के टच में चलता है। ये देखो टच वाला यहाँ पर चलता है, इस तरह का पेन है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ से अगर लेना चाहते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, 50 या 40 रुपीज का मिलेगा, जितने का देख लेना, वहाँ से बाय कर लेना, आपके यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, चलो आपको दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको हम इस कैमरे को आउट कर रहे हैं, तो आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये आउट हो गया। इसके बाद बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है। तो किस तरह से आप क्वेश्चन बताएंगे, देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बताना है तो यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाएगी। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने पिन वाले ऑप्शन पर जाना है, पिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है, देखो दिए जैसे कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य, देखो यहाँ पर दिए इतना इतना दिए यहाँ पर। इसके बाद कह रहे हैं कि इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इस तरह से बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिए है, सीपी, यहाँ पर क्या दिए, सीपी। तो सीपी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जैसे राइट किया कि सीपी इक्वल कितना है, 110 रुपये। इसके बाद यहाँ पर क्या दिए है, देखो यहाँ दिए विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब एसपी दिए, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी दिए है 123। यहाँ पर देखो अच्छे से आप राइट कर लेना, अच्छे से जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका होने लगेगा। देखो हम अभी राइट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। कितना दिए, 123.80 रुपये। इसके बाद कह रहे हैं कि इस विक्रेता को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहाँ पर देखो पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो इस पर माइनस करना पड़ेगा, इस पर माइनस करने के, चलो तो आपको देखो यहाँ पर कलर दिखा रहे हैं, कलर चेंज करके आपको करना है। माइनस करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसके नीचे राइट कर लेंगे कितना है, 110, इतना राइट करके हमने यहाँ पर नीचे कर दिया। इसके बाद क्या करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 1 आ गया, इतना हो गया। इसके बाद देखो ये हो गया प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट इक्वल कितना हो गया, इतना। इसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पी इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट अपान सीपी। प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 1320, यहाँ पर पॉइंट लगा। इसके बाद कितना दिए, यहाँ पर देखो सीपी कितना दिए, 110। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करने के लिए फिर इसके बाद क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, इसके बाद देखो 11 से जब कट करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। चलो यहाँ पर आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, मतलब 1.2 हुआ। इसके बाद देखो यहाँ पर 10 है, 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पी इक्वल कितना आ जाएगा, 12%, कितना आ जाएगा, 12%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 12%। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन बनाकर बता सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर पेन भी दिखाना है तो चलो आपको कुछ सेटिंग दिखा रहे हैं। तो सेटिंग दिखाने के लिए आपको देखो यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर
नीचे की तरफ आपको सेटिंग दिखेगा। सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर देखो आपके सामने सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो आप जो भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, और लिखने वाला ऑप्शन भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से पेंसिल पेन जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन है, अगर आप वीडियो बनाते हो जो भी यूज करते हो, यहाँ अगर माइक यूज करते हो तो माइक वाला ऑप्शन है। इसके बाद ऑडियो देखो यहाँ पर दिए, जो भी ऑप्शन आप चाहते हो, अच्छी क्वालिटी चाहते हो, वीडियो फ्रेम रेट चाहते हो तो 30 कर लेना। देखो यहाँ पर जितना दिए है तो इतना यहाँ से आप करके सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका वीडियो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर बनाए हो, इसी तरह से आप एक दो या जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो बना सकते हो। इसमें क्लिक करके आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर देख लोगे कि हमने वन स्लाइड में क्वेश्चन बनाया, इसके बाद यहाँ पर सेकंड में, यहाँ पर थर्ड पे, इस तरह से आप बनाकर कर सकते हो। आई होप यह आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद इसके जो भी फीचर हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।